फार्माकोलॉजी बी फॉर्म 6th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम लोग, और इस यूनिट नंबर 3 में आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 7 एंटी हेलमिंथिक ड्रग। हेलमिंथ आप जानते हैं दोस्तों, कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे से, जो आपके शरीर में बहुत तरह की बीमारियाँ पैदा कर सकते हैं। कुछ बड़ी बीमारियाँ भी हैं, कुछ छोटी बीमारियाँ भी हैं। तो आज इसकी कौन कौन सी मेडिसिन है, क्या फार्माकोलॉजी है, क्या मैकेनिज्म है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं हम। स्वागत है आपका अपने चैनल KCL ट्यूटोरियल में। तो पहले हम जान लेते हैं कि हेलमिंथ्स क्या होते हैं। हेलमिंथ्स नोन एज अ वॉर्म इन्फेक्शन, उनको वॉर्म्स भी बोलते हैं, और ये इट इज़ द एनी माइक्रोस्को पैरासाइटिक डिजीज ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन्फेक्टेड विद द पैरासिटिक वॉर्म इज नोन एज हेलमिंथ। यानी किसी भी ह्यूमन में या किसी एनिमल में जो बॉडी का आउटर पार्ट या इनर पार्ट अगर किसी भी हेलमिंथ इन्फेक्शन से प्रोफेक्टेड होता है, उसी को हम लोग हेलमिंथ्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ढेर प्रकार सारे प्रकार के पैरासाइट्स पाए जाते हैं, कुछ जो हेलमिंथ कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि टेप वॉर्म, फ्लूक वॉर्म, राउंड वॉर्म। ठीक है, ये कुछ हमारी बॉडी के GIT पार्ट में भी रहते हैं और वहाँ पे हमारे हमको डैमेज करते हैं, और जिससे हमको डायरिया, डिसेंट्री सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। आगे बात करते हैं जो हेलमिंथियासिस है, एक क्या का जो कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड में करीब 1/3 पॉपुलेशन जो है उससे करीब अफेक्टेड है, और वहाँ पे पुअर पर्सनल और इन्वायरमेंटल हाइजीन जहाँ पे प्रॉपर नहीं है वहाँ पे ये बीमारियाँ ज़्यादा देखी जाती हैं। इसको करने के लिए जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो हमारा खाने से, सड़े गले खाने से पैदा होता है, और वो हमारी बॉडी के अंदर जाके ब्लड लॉस, ऑर्गन इंजरी, इंटेस्टाइनल लिम्फेसाइटिक ऑब्स्ट्रक्शन और बहुत सारे सिक्रेटरी टॉक्सिन रिलीज करके बहुत सारी बीमारियाँ पैदा करते हैं। अब एंटी हेलमिंथिक क्या है, ऐसी दवाइयाँ जो इस हेलमिंथ इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम देते हैं उसे बोलते हैं एंटी हेलमिंथिक ड्रग, यानी एनी ड्रग विच किल माइक्रोब्स या वर्मिसाइड्स, दे आर कॉल्ड एंटी हेलमिंथिक ड्रग। ठीक है, ये इसमें चॉइस ऑफ ड्रग्स होते हैं, इसमें जो है वो बेसिकली वॉर्म इन्फेक्शन के लिए उसकी एफिकेसी के आधार पर है, लाइट ऑफ साइड इफेक्ट भी है। इसे फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन ड्रग आपने ट्यूबरक्लोसिस में देखा था, उसी तरह इसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस भी, अलग अलग हम ड्रग इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो एंटी हेलमिंथिक ड्रग होती है। कुछ बहुत ही फेमस ड्रग हैं जैसे कि मेलबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, ट्राइबेंडाजोल, पायरेटेन प्रोमिनेट, पिपराजीन, डाइएथिल कार्बामाजीन सिट्रेट और आइवरमेक्टिन। ये सब दवाइयाँ हैं, आइवरमेक्टिन तो बहुत ही फेमस, आपने सुना था कोरोना केस में, ठीक है, कोविड किट में इसको देते थे 12 mg पर डे। तो ये क्लासिफिकेशन है कुछ ड्रग का, उसमें से इंपॉर्टेंट ड्रग के हम लोग डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मेबेंडाजोल, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मेबेंडाजोल किस कैटेगरी का ड्रग है, केमिकली देखा जाए तो ये बेंज एमिडाजोल कैटेगरी का ड्रग है, और इसका जो इंट्रोडक्शन इसको 1972 ईस्वी में इसको खोजा गया था। ठीक है, और इसके साथ साथ थायबेंडाजोल भी इसके साथ साथ एक ड्रग डिस्कवर होती जो कि बहुत ही पॉपुलर हुई थी, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक एक्टिविटी थे, और इसकी टॉक्सिसिटी जो थी थोड़ा सा कम हुआ करती थी। इट हैज़ प्रोड्यूस नियरली 100% क्योर रेट, इसका जो सही करने का, बीमारी को ठीक करने का रेट जो करीब लगभग 100% था, और ये एक काउंट यानी राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म के केस में ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा उनके एक्स को रिडक्शन करने में काफ़ी हेल्पफुल था। ठीक है, दिस इमोबिलाइजिंग एंड लीथल एक्शन ऑफ द मेबेंडाजोल इज वॉर्म इज स्लो, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये एक्शन इसका स्लो था, 2 से 3 दिन लगते थे, लगातार मेडिसिन खानी पड़ते थे तब जाके ये पूरी तरह से ट्रीटमेंट काम करता था। मोड ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं, कैसे काम करता है इसको समझिए। द साइट ऑफ एक्शन ऑफ मेबेंडाजोल इज द माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन बी ट्यूबुलिन ऑफ द पैरासाइट। इट बाइंड्स द बी ट्यूबुलिन ऑफ द ससेप्टिबल वॉर्म एंड हाई एफिनिटी एंड इनहिबिट इज पॉलीमराइजेशन इंट्रासेलुलर माइक्रोट्यूबुल्स इन द सेल्स वॉर्म ग्रेजुअली लॉस। ठीक है, होता क्या है दोस्तों कि जो आपके हमारी बॉडी के अंदर जो हेलमिंथ है उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, उनको ग्लूकोज चाहिए, वो ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं, ग्लूकोज चाहते हैं। तो क्या करते हैं, वो बॉडी के अंदर अपनी पॉलीमराइजेशन करते हैं, और पॉलीमराइजेशन होकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो उनको जो पॉलीमराइजेशन के लिए क्या हो जाए, बी ट्यूबुलिन प्रोटीन चाहिए होता है। तो क्या होता है, मेबेंडाजोल किसी भी हेलमिंथ की बॉडी में जा करके मॉलिक्यूलर प्रोटीन बी ट्यूबुलिन से जाकर बाइंड करेगा, और वहाँ पर बाइंड करने के बाद इसके पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, जिससे कि हेलमिंथ की डेथ होना शुरू हो जाती है। बात कर लेते हैं मेबेंडाजोल ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो इसका एब्जॉर्प्शन जो मेबेंडाजोल का है वो इंटेस्टाइन में करीब बहुत ही अच्छा है, 75 से 90% तक होता है, इसलिए इसको ओरल डोज के फॉर्म में देते हैं, और इसके कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं फीसिस के साथ बॉडी से बाहर निकलते हैं। एब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन जो है इसका बेसिकली मेटाबोलाइट्स यूरिन और फीसिस के फॉर्म में ही होता है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें, थोड़ा सा डायरिया, नॉजिंग, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन, लॉस ऑफ हेयर, ये सब चीज़ें भी कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट देखे जाते हैं। अगला ड्रग है एल्बेंडाजोल, जो कि बहुत ही फेमस है मार्केट में,
या अलग अलग नामों से बिकता है। तो एल्बेंडाजोल देखा जाए तो ये एक तरह का मेबेंडाजोल का पड़ोसी है, उसके साथ का मेंबर है, क्योंकि दोनों का लगभग स्ट्रक्चर चीज़ें सेम है। ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी होती है, एक्सेलेंट टॉलरेंट होती है बॉडी के साथ, ये नुकसान नहीं है इसका। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसका सिंगल डोज ही पर्याप्त होता है, इसको दिन में एक ही बार खाया जाता है, ठीक है, ये काफ़ी है। वन डोज ट्रीटमेंट है, मतलब एक बार एक टेबलेट खिला दीजिए तो आपका काम हो जाएगा, इसमें बार बार आपको लगातार 3 दिन बाद नहीं खिलानी पड़ती है। ह्यूकोरम, हुकवॉर्म, एस्केरियासिस, एंटोबियासिस नमक अलग अलग प्रकार के हेलमेंथ इन्फेक्शन में काफ़ी प्रभावी होता है। मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल एल्बेंडाजोल का जो होता है मेबेंडाजोल की तरह सिमिलर है, यानी बी ट्यूबुलिन से बाइंड करके पॉलीमराइजेशन को रोकेगा, यहाँ पे इस तरह से काम करते हैं। काइनेटिक्स की बात करें तो एब्जॉर्प्शन इसका बहुत अच्छा है, इसको टैबलेट फॉर्म में देते हैं, ओरल फॉर्म में देते हैं, ठीक है। और अगर इसको किसी फैटी मील के साथ खाया जाए, यानी किसी भी फैटी खाने के साथ खाया जाए, तो इसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। अदर फ्रैक्शन एब्जॉर्ब्ड इज कन्वर्टेड बाय द फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है वो सल्फोक्साइड मेटाबोलाइट बना लेता है, ये भी इसका थोड़ा सा एक देखा जाए। और बाकी जो एल्बेंडाजोल सल्फोक्साइड फॉर्म है ये बॉडी में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है, 8.5 घंटे तक इसका असर रहता है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है उससे। एडवर्स इफेक्ट कॉमन सा है मेबेंडाजोल की तरह, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट है, डिजीनेस, प्रोलॉन्ग यूज करने पर हेडेक, लीवर, फीवर, एलोपीसिया, जॉन्डिस, ये चीज़ें हो सकती हैं। चलिए अगली बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला ड्रग है थायाबेंडाजोल। तो थायाबेंडाजोल को सबसे पहले बेंजामिडाजोल पॉलीथायलेमिंटिक ने 1900 की कैटेगरी में 1961 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, जो कि अलग अलग प्रकार के ढेर सारे राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म अलग अलग स्पीसीज के लिए काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या है कि ये जो इनके हेलमिंथ्स के बॉडी में एक का डेवलपमेंट होता है उसके एक के लार्वा को मारते हैं ताकि उनका मल्टीप्लीकेशन ना हो, ग्रोथ ना हो और संख्या इनकी बॉडी में ना बढ़े। काइनेटिक्स की बात करें तो इसको हमेशा जीआईटी से वेल एब्जॉर्ब होता है, इसको टैबलेट के फॉर्म में देते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसका नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ग्रेडिनेस, इम्प्लेमेंट ऑफ अलर्टनेस, ये चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। अगला ड्रग है दूसरा हमारा ये है पायरेंटेल पोमेट, ये जिसकी जो इंट्रोडक्शन 1969 में हुआ था पिन वॉर्म के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया। बच्चों में अक्सर जो पिन वॉर्म होता है ना, कहते हैं बच्चों को चुन्ना काटता है, सुना ना, बच्चों को चुन्ना काटता है, पीछे बहुत खुजली होती है उनको, तो वो जो चुन्ना काटने के लिए इसको पिन वॉर्म बोलते हैं, उस पिन वॉर्म के खिलाफ इसको इस यूज़ करते हैं पायरेंटेट पोमेट को, ठीक है। इसकी एफिकेसी बहुत ही अच्छी है। मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये एक्टिवेशन ऑफ निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर को, निकोटिनिक एसिड को एक्टिवेट करता है, जिससे कि परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन होता है और स्पास्मेटिक पैरालिसिस जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है हेलमिंथ के केस में। काइनेटिक 10-15% ओरल होता है, इसलिए इसको ओरली बहुत कम देते हैं, इसकी यूरिन में इसका एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है। एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट बच्चों में है कि सिम्टम्स हेडेक और डिजीनेस चीज़ें देखी जाती हैं। उसी तरह से अगला ड्रग है दोस्तों, अगला हमारा एंटी हेलमेंथिक ड्रग है पिपराजीन। तो पिपराजीन में देख लेते हैं, इसको 1850 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये हाईली एक्टिव होता है एस्केरियासिस और एंटोबिलस के केस में, 90-100% इसका क्योर रेट होता है। ये मोर कन्वीनियंट होता है, बेटर टॉलरेट होता है, इसलिए इसको सेकेंड चॉइस ड्रग के तौर यूज़ करते हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या है कि पिपराजीन जो होता है ये हाइपर पोलराइजेशन करता है एस्केरिस मसल का, गाबा एगोनिस्टिक एक्शन, यानी ये गाबा एगोनिस्टिक एक्शन करता है जिससे, और ये वहाँ पे जैसे गाबा चैनल से बाइंड करेगा क्लोराइड चैनल ओपन होगा, मसल्स रिलैक्स होना शुरू होती हैं और वहाँ पे पिपराजीन मसल से रिलैक्स होंगे तो वहाँ पे वॉर्म्स जो होते हैं वो एक्सपेल होते हैं, बॉडी से बाहर निकलते हैं। काइनेटिक की बात करें तो ओरल डोज पिपराजीन का एब्जॉर्ब होता है, मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और यूरिन में एक्सक्रीशन होता है। एडवर्स इफेक्ट भी नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और यूकेरिया है, डिजीनेस वगैरह भी देखा जाता है, ठीक है। अगला ड्रग है दोस्तों डाइएथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो ये भी 1948 में डेवलप किया गया था, फर्स्ट ड्रग है फाइलिस को फाइलेरिया के खिलाफ, जो हाथ जानते हैं व्हाट इज फाइलेरिया, हाथी पाव सुना, एलिफेंटियासिस, इंसान का एक पैर या दो पैर हाथी की तरफ फूल जाता है, उस केस में बाउचेरिया बैनक्रॉप्टी के कारण होता है, उस पैचुरिया बैनक्रॉप्टी को मारने के लिए डाइएथिल कार्बामाजीपिन सिट्रेट का यूज़ किया जाता है और बर्गिया मेलाई, ये दो प्रकार के अलग अलग हेलमिंथ हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या है कि जो डाइएथिल कार्बामाजीपिन है वो एंटी माइक्रोफाइलेरिसाइडल होता है, ये हाईली सिलेक्टिव होता है माइक्रोफाइलेरी MF के लिए, ठीक है, और ये 2 mg/kg TDS उसका डोज देते हैं और यहाँ पे उसको किल करता है। फार्माकोकाइनेटिक्स देखा जाए तो डाइएथाइल कार्बामाजीन होता है वो एब्जॉर्ब्ड ओरल इंजेक्शन से एब्जॉर्ब होता है, यूरिन से एक्सक्रीशन है, मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और 4 घंटे के करीब इसका 4-12 घंटे का इसका असर होता है। एडवर्स इफेक्ट नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, वीकनेस और डिजीनेस होता है। दोस्तों थैंक यू सो मच, ये चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर लिया है, चैप्टर अगला मिलेंगे, एक दो चैप्टर और बचे हैं, फिर Unit 3 हमारी खत्म हो जाएगी, फिर हम Unit 4 की तरफ मूव करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।